नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ, मैं हूं राकेश। लॉकडाउन के बीच बिहार में सियासत जोरों पर है। जी हां, पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम जी और अब रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। कोरोना महामारी के बीच रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया कि नीतीश सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरह से फेलियर साबित हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि क्वारंटाइन के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया से सब कुछ छिपाया जा रहा है और मीडिया को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको हम सुनाते हैं। देखिए, राज्य की सरकार एक तो कोरोना वायरस से निपटने में नाकाम रही है। जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर चल रहा है, खानापूरी हो रही है, और जो सच है उसको उजागर करने की जो एजेंसी है, जो मीडिया के लोग हैं, अब वहाँ जाकर सच को लोगों के सामने पहुँचाने का काम करते हैं। अब राज्य की सरकार ने एक विचित्र तरह का निर्णय लिया है। राज्य की सरकार की ओर से आदेश जारी हुआ है कि क्वारंटाइन सेंटर में मीडिया कर्मियों को नहीं जाने देना है, उनके प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार का रवैया लोकतंत्र पर सीधे हमला है। अब इस तरह की स्थिति को हम लोग आंख बंद करके नहीं देख सकते हैं। मीडिया के काम को रोकना, सच को बाहर आने से रोकना है। इसलिए इस सरकार के इस निर्णय का हम घोर विरोध करते हैं, इसकी घोर हम निंदा करते हैं। साथ ही साथ राज्य की सरकार से निवेदन भी करते हैं, मुख्यमंत्री जी से विशेष रूप से, इस निर्णय को मुख्यमंत्री जी वापिस लीजिए। हमने कल तक का समय दिया है, अगर नहीं वापिस हुआ तो परसों 10 तारीख को, 10 मई को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारी पार्टी के साथी बैठेंगे, धरना सत्याग्रह करेंगे। 2 घंटा के लिए सांकेतिक धरना सत्याग्रह करेंगे। उस दिन काला दिवस मनाएंगे, 10 मई को काला दिवस के रूप में हम सब मनाएंगे। मुंह पर काली पट्टी बांधकर पार्टी के सभी साथी 10 बजे से 12 बजे तक धरना सत्याग्रह पर बैठेंगे। यह हमारी पार्टी का निर्णय है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी अविलंब इस तरह के निर्णय को, घोर अलोकतांत्रिक निर्णय को, आप वापस लीजिए। तो उपेंद्र कुशवाहा को आप सुन रहे थे, रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पर नीतीश सरकार पर जमकर आरोप और कोरोना महामारी से निपटने में फिसड्डी सरकार बताते हुए रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा नजर आते हैं। फिलहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।